सो आज की स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का डार्क ब्लैक पोर्ट्रेट एडिटिंग कर सकते हो पिक्सआर्ट और लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से। और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसमें बैकग्राउंड ब्लैक कर देने से आपका जो फोटो एडिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो रिटचिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना अगर आपको भी इस तरह का फोटो एडिट करना है तो। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे जितने भी गैलरी में आपके फोटोज होंगे वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे जो ऑल फोटोज वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे देख सकते हो एक रेनबो कलर का यहाँ पे सर्कल दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेना डन। तो आपका जो है यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टूल्स पे जाके क्रॉप पे जाना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट का जो ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेना डन। तो आपका जो बैकग्राउंड है इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे और ड्रॉ टूल पे आने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेना डन। और साइज और ओपेसिटी को बिल्कुल फुल कर लेना और यहाँ पे जो हार्डनेस है 1 पे रख लेना और यहाँ से कर लेना सेट। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको छोटा सा इस तरह से ब्रश अप्लाई कर देना है, इसके बाद आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर लेना ट्रांसफॉर्म। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जूम करके फोटो के लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और सिर्फ इतना पार्ट ही आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ से कर लेता हूँ डन। और इसके बाद आप चाहें तो इसका यहाँ पे जो ओपेसिटी है कम ज़्यादा करके देख सकते हो। मैं इसका ओपेसिटी 56 रख लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट्स पे और यहाँ पे जो ब्लर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे जो सेकंड में ब्लर वाला ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पे जो इसका अमाउंट है आपको बिल्कुल यहाँ पे 100 पे रख देना है और यहाँ से डन कर लेना। तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं ऐड फोटो पे और यहाँ से जो है आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। और ये वाला जो फोटो का बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, अगर आपको फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक से आप सीख सकते हो। और इसे जो है मिडिल में बिल्कुल आपको परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है। और अभी बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्लोथ है इसे हमें यहाँ पे डार्क कैसे करना है। तो सिंपल आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है इफेक्ट्स पे और इफेक्ट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे सैचुरेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसका जो यहाँ पे अमाउंट है आपको यहाँ पे बिल्कुल 0 पे रख देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एरेज वाले टूल पे और यहाँ पे आपको जो अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो क्लोथ्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। तो इससे जो है आपका जो क्लोथ्स है सिर्फ उसी पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और हमें यहाँ पे जो है ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो इफेक्ट है क्लोथ्स पे अप्लाई हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल डार्क हो चुका है। और यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसे सिंपल हम यहाँ पे एरेस पे जाके एरेस कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ, इसके बाद बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कम्प्लीट कर लिया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। और इसके बाद आपके यहाँ पे सेव वाला जो ऑप्शन है मर्ज का इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से डन कर लेना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो इसका ओपेसिटी है रख लेना है 90% पे और फिर आपको यहाँ पे जाना है इरेज वाले टूल पे और यहाँ पे जो इरेजर का हार्डनेस है 1 पे रख लेना और साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे साइज़ जो है बिल्कुल फुल कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो अपने फोटो के राइट वाला पार्ट है वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इरेज कर देना है, सिर्फ यहाँ पे हल्का हल्का इरेज कर लेना ताकि हमारे यहाँ पे जो फोटो है बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। और ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे इरेज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरह से दिखाना है कि यहाँ पे जो लाइट आ रहा है हमारे फेस पे। तो मैंने यहाँ पे इसे कम्प्लीट कर लिया है, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे आपको एक शैडो के पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया, तो सिंपल आपको इस तरह से बिल्कुल फुल स्क्रीन कर लेना है। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे शैडो अप्लाई हो चुका है, ये रहा बिफोर और ये देख सकते हो आफ्टर। नेक्स्ट हमें ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है तो शैडो का यहाँ पे जो है एक और लेयर आ जाएगा। तो सिंपल इसे जो आपको इस तरह से रोटेट कर लेना है और ऊपर की तरफ इस तरह से एडजस्ट करना और यहाँ पे जो छोटा सा डॉट है इसे आपको नीचे की तरफ लेके आ जाना है और यहाँ पे राइट कॉर्नर में बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट कर लेना और यहाँ से डन कर देना। तो ये देख सकते हो ये रहा बिफोर और ये देख सकते हो आफ्टर। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं ड्रॉ टूल पे और ड्रॉ टूल पे आने के बाद आपको यहाँ पे कलर पे जाना है और व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके डन कर लेना। फिर ब्रश पे जाके आपके यहाँ पे साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो, ओपेसिटी को रख लेना 25% और हार्डनेस को 1% पे रख के सेट कर देना। और ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके कर देना है ओवरले और इस तरह से जहाँ पे भी आपको शाइन चाहिए अपने फोटो में वहाँ पे अप्लाई कर लेना। और यहाँ पे जो ओपेसिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो इसे मैं कम कर लेता हूँ और साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ 80% के आसपास। और अब यहाँ पे जो है मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ। तो अपने फोटो में जहाँ पे भी अप्लाई करना था मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद आप चाहें तो इसका ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देख सकते हो जितना आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका ओपेसिटी है मैं रख लेता हूँ कुछ इतना 72 और यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके इस इमेज को कर लेना है सेव, तो आपका जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। और ये वाला फोटो को रिटचिंग करने के लिए हमें लेके जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन में।
तो मैंने यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो सिंपल आपको ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करना है, और हमने अभी जो फोटो एडिट किया था इसे यहाँ पे ऐड कर लेना। तो देख सकते हो ऐड हो चुका है, यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करना है और फोटो के हाईलाइट्स को इंक्रीज़ कर देना और शेडो को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना। और यहाँ पे वाइट्स और ब्लैक्स को मैं यहाँ पे दोनों को डिक्रीज़ ही रखता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट को रख लेता हूँ मैं यहाँ पे माइनस पे, -10 के आसपास सही रहेगा। और यहाँ पे एक्सपोजर को जो है आपको -0.10 पे रखना है। नेक्स्ट आपको ये वाले टूल पे जाना है जो थर्ड वाले पे है, और यहाँ पे फोटो की क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर लेना 10% के आसपास, और विग्निट को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना। फिर हम यहाँ पे डेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं कुछ इतना, और ये वाले टूल पे जाके आपको हमें मिक्स टूल पे जाना है और रेड का सैचुरेशन और येलो का सैचुरेशन इंक्रीज़ कर लेना, और ह्यू को जो है अपने हिसाब से रख सकते हो जो टोन आपको आपके फेस पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा येलो टोन दूंगा, तो यहाँ पे 6 पे रखता हूँ, और लुमियंस को रख लेता हूँ 7 पे। इसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे कलर्स है, जितने भी बाकी के कलर, सबका सैचुरेशन आपको यहाँ पे डिक्रीज़ कर देना है। और कभी कभी यहाँ पे जो है लिप्स में से जो कलर यहाँ पे चले जाता है ये वाले टोन को डिक्रीज़ करने से, तो हम इसे वापस से इंक्रीज़ कर लेते हैं जो लास्ट वाला टोन है, और यहाँ से कर लेते हैं डन। इसके बाद हमें यहाँ पे वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके सैचुरेशन को डिक्रीज़ कर लेना है, और टेम्परेचर को हम यहाँ पे 0 पे रखते हैं, और टिंट को रख लेते हैं 4 पे। नेक्स्ट हमें लास्ट वाले टूल पे जाना है, और यहाँ पे फोटो के शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज़ कर लेना। इसके बाद हमें ये वाले टूल पे जाके ग्रेडियंट पे जाना है, और थर्ड वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट्स का, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे येलो टोन दे देना है। और इसके यहाँ पे जो सैचुरेशन है मैं यहाँ पे 10% के आसपास रख लेता हूँ, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारे अभी जो है फोटो रिटचिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो बिफोर वाला पिक जो कि था पिक्सेड एप्लीकेशन में, और ये वाला फोटो देख सकते हो लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियोज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम में भी जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।